फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुटेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों एंड कैसे चल रही है सब बच्चों की सीटेट एग्जाम की तैयारी? मैं आशा करती हूँ कि सबकी बढ़िया चल रही होगी। चलो आज एक एक्टिविटी करते हैं। पहले सब जने जाके अपनी कॉपीज उठा के लेके आओ, कॉपी और एक पेन लेके आओ जाके। चलो आई गिव यू जस्ट 15 to 20 seconds। सब जने एक कॉपी और एक पेन उठा के लेके आइए, कम ऑन। ठीक है, आई होप सबने उठा लिया होगा। काम चोर वाले बच्चे जरूर उठ जाइए, ठीक है, वो जरूर लेके आइए। आई एम वेटिंग, सब कॉपी और पेन लेके आइए। ठीक है, चलो जो बच्चे ले आए वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं लेके आए आगे से ध्यान रखना कि लेके आना। अब ईवीएस के लेक्चर्स में अब आपके ईवीएस टेस्ट शुरू करूंगी मैं। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 2018 का पेपर ईवीएस का सबको पता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी आया था, स्पेशली जो 50 मार्क्स का था आपका कंटेंट। ठीक है, जिसमें से शायद बहुत बच्चे जिनके 2 या 3 नंबर ही आए थे वो उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज आज से लेके पहले अगर मैं बात करूं 2011 से लेके 17 तक हमेशा जो ईवीएस आती थी वो आपकी आती थी 3rd, 4th, 5th क्लास की। बट इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार जो पेपर था ना, पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th क्लास के भी थे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस के थे, जैसे डेंसिटी पूछी हुई थी। ठीक है, कहीं कहीं जगह प्रेशर टेम्परेचर पूछा हुआ था। फिर आपके बेसिक एनवायरनमेंट रिलेटेड ओवरऑल आपकी नॉलेज भी चेक की गई थी, ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, ये सब पूछा हुआ था। देन मैप पे क्वेश्चन जरूर रहता है कि यहां से अगर मूव कर रहे तो यहाँ क्या पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। मैप का क्वेश्चन भी जरूर रहता है, कौन सी स्टेट कहाँ को पड़ती है, नॉर्थ को पड़ती है, वेस्ट को पड़ती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन डायरेक्शन का रहता है, अगर मोहन इधर को मूव कर रहा है नॉर्थ साइड, फिर वो साउथ साइड मूव कर रहा है, वो इवेंचुअली कौन सी साइड आ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन डायरेक्शन का रहता है, ये पहले भी आए हुए क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हो मैप और डायरेक्शन के, इस बार भी डाले हुए थे। एंड कुछ 2-3 क्वेश्चन बेसिक से ज्योग्राफी के भी थे। आई थिंक कोई क्वेश्चन कल्टीवेशन का था, शटल कल्टीवेशन, समथिंग लाइक दैट, वो कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेट करता है। तो आपको मतलब अगर ये देखो, ये 2018 पेपर का एनालिसिस है। इस बात की अगर जुलाई की बात करूं सीटेट की, कुछ नहीं पता क्या हुआ, नो डाउट पैटर्न पुराने जैसा भी रह सकता है कि 3rd, 4th, 5th क्लास की ईवीएस आए 15 नंबर की, या फिर पैटर्न यही रह सकता है जो ये वाला पैटर्न है। ये वाला पैटर्न यूजुअली HTET PSTET वो लोग सब ऐसा पैटर्न डालते हैं कि 3rd, 4th, 5th की बुक से भी क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक साइंस भी रहती है एनसीईआरटी की, बेसिक सोशल की नॉलेज भी पता हो, कौन सा प्लैनेट है, एक्ट आपको पता हो, ये एक्ट कब होता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब होता है, हेल्थ डे कब होता है, एनवायरमेंट एक्ट कब आया था, फुल फॉर्म्स क्या है, ये सब पता हो। ठीक है, मैप डायरेक्शंस, ये चीजें पता हो, तो ये लगभग एनालिसिस है। तो इस पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि 15 में से सिर्फ 2-3 नंबर ही रहे, तो प्लीज ये सारा कुछ जरूर करना जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पहला टारगेट तो देखो ये 3rd, 4th, 5th रिवाइज करना। इवेंचुअली मुझे लगता है एक बुक को 2 दिन में हो जाना चाहिए, बिकॉज आपके पास इतना कुछ है करने को। ठीक है, तो आपका आज टेस्ट ही हो रहा है, अब देखो कितना टाइम कम रह गया। मैं उम्मीद करती हूँ शायद जितने भी ईवीएस के बच्चे हैं वो 3rd, 4th, 5th कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपका मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो बनते भी है, 3rd क्लास से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, 5th क्लास से आपके पहले तो ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। 5th क्लास का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही आपका शायद सुपर सेंसेस है। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपने फटाफट इनके आंसर्स कॉपी में लिखने हैं, कोई भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, बस आंसर्स अपने कॉपी में लिखो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन सारे रीड आउट कर रही हूँ, जो भी आपको आंसर्स लगता है वो आप कॉपी में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्कवर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स, सिल्कवर्म अपनी फीमेल को किस तरह से ढूंढती है, बाय स्मेल से, बाय साउंड, बाय कलर, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर कॉपी में लिखते जाना। दोबारा बोलते, सिल्कवर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स स्मेल, साउंड, कलर, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एनिमल्स किल्ड फॉर, व्हाट आर एनिमल्स किल्ड फॉर, टस्क, स्किन, हॉर्न, या मस्क। ठीक है, टस्क, स्किन, हॉर्न, या मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, लंगूर, पांडा, चिंपैंजी,
क्वेश्चन. नेम द बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. आउल, स्पैरो, ईगल, हेन. नेम द बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. आउल, स्पैरो, ईगल, हेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following has sense of hearing so sharp that it can make out difference between rustling of leaves and sound of an animal moving on grass? फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ. Which of the following has sense of hearing so sharp that it can make out difference between rustling of leaves and sounds of an animal moving on grass? Vulture, silkworm, dog, tiger. सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखो, जो भी है फर्स्ट का, ए बी सी डी. ये कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है, ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए आप लोगों के लिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो. तो फटाफट इन पांचों के आंसर्स अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है. अब मैं अगला जो चैप्टर आपका है उसके भी फाइव क्वेश्चंस लिखती हूँ. चलिए अब इस नेक्स्ट चैप्टर के आंसर्स लिखिए. चैप्टर नंबर टू, दैट इज स्नेक चार्मर स्टोरी. क्वेश्चन वन है, आप साथ साथ आंसर लिखते जाइए या क्वेश्चन फाइव लिख लो, जो भी लिखना है. सिक्स हो गया ये क्वेश्चन आज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया. कितने तरह के स्नेक्स पॉइजनस है इंडिया में. सिक्स टाइप, फोर टाइप, एट टाइप या टेन टाइप. आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी ईवीएस पढ़ी है, बिकॉज अब इससे फिफ्थ क्लास की आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से. तो आई होप आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे, तो इसके आंसर साथ साथ आप मार्क कर पा रहे होंगे अगर आपको याद है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया. सिक्स टाइप्स, फोर टाइप्स, एट टाइप्स या टेन टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड. टीथ के, जो स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं. फैंग्स, हुड, स्केल्स, पैंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो. अ स्नेक चार्मर कीप्स द स्नेक इन अ. एक स्नेक चार्मर स्नेक को किसके अंदर रखता है. बैम्बू बास्केट, ड्रम, बकेट, पिक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एनिमल नोन एज फ्रेंड ऑफ स्नेक. एनिमल हु इज नोन एज फ्रेंड ऑफ स्नेक. कैट, बैट, रैट, गोट. नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखो आंसर. आउट ऑफ द फॉलोइंग टू पॉइजनस स्नेक्स कौन से इसमें. आउट ऑफ द फॉलोइंग टू पॉइजनस स्नेक्स आर. फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन क्रेट एंड हॉगनोज. सेकेंड है रूसल वाइपर एंड गाटर. थर्ड है कॉमन क्रेट एंड रूसल वाइपर. फोर्थ है कोबरा एंड एमरल्ड बोआ. ठीक है, इसके आंसर्स लिखो. ये आपके लगभग 10 क्वेश्चंस हो गए हैं. ठीक है, आई नो की उम्मीद कर रही हूँ कि मैं इनके आंसर्स बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी इनके आंसर्स. ठीक है, आपको ये सपोज आपकी असाइनमेंट है. आपने आज ये 10 क्वेश्चंस किए, चैप्टर वन, चैप्टर टू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे करते ही हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि चैप्टर आपका प्रॉपरली आपको याद हुआ है नहीं. बिकॉज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कुछ कंसेप्शन नहीं है, है तो बेसिकली एक तरह से रटा ही, आपको याद ही करना है. तो इस असाइनमेंट से पता चलेगा कि आपको चीजें याद हुई है या नहीं, आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है या नहीं, बिकॉज ये पूछा जाता है आपकी ईवीएस के अंदर. ठीक है, इनके आंसर्स लिखो, बुक से खुद चेक करो. अगर आपने प्रॉपरली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने इनके आंसर्स लिखे हैं, मेरे साथ साथ किए हैं. जो भी बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी टिप टॉप चल रही है. जो बच्चे कर रहे हैं बट उनको आंसर्स बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब यू आर समवेयर वीक. आप मतलब अभी भी बहुत पीछे हो. ठीक है, एंड जिन्होंने कॉपी पेन नहीं उठाई वो तो कोई चक्कर नहीं, जब मन करे आप लोग उठा लेना. ठीक है, बट मैं वैसे ही हर वीक कोशिश करूंगी असाइनमेंट लेके आ करूंगी. टू टू थ्री चैप्टर्स ऐसे ही हम लोग रिवाइज करेंगे. ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए खुद बनाती हूँ चैप्टर्स में से, ताकि आपको पता रहे कि आपको, मुझे भी पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा कि आपको ये रिवाइज हो रहा है या नहीं, या आप बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हो. ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपको जो 2018 का पैटर्न लिखा था, सबसे पहले आप अपनी ईवीएस करो, फिर हम लोग साइंस करेंगे रिविजन. ठीक है, साइंस में पढ़ाऊंगी भी, फिर धीरे धीरे मैप, डायरेक्शन, सारा कुछ करेंगे. पहले हम ईवीएस बेसिक से शुरू करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बिकॉज तीन से चार क्वेश्चन आपके इसके भी जरूर रहते हैं. ठीक है, तो
बस एक बार ही बताना चाहूंगी कि कोर्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपके गिवन हैं, इसके प्रॉपर प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हुए हैं, पिछली बार बहुत अच्छा रिजल्ट था सीटेट का, इस बार उम्मीद करें इससे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आई थिंक इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग कोर्स या कोर्स के अलावा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8146207241। और जिस बच्चे की भी आज की असाइनमेंट में 10 में से 10 मार्क्स की होगी ना आपकी, 10 में से जिसके भी 8 टू 9 मार्क्स है ना, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो EVS 9, ठीक है, या EVS 8, जितने भी है। अगर किसी के इससे नीचे नंबर है वो ना लिखे, बिकॉज वो ये सोचे कि मैं कहीं ना कहीं वीक हूं, मुझे भी अच्छी तरह चैप्टर्स को पढ़ना है, मुझे अच्छी तरह रिवाइज करना है, ठीक है। अगर अपने आपने वो सुना था रेमेडियल टीचिंग, अपने आप एरर्स नोट करो, ठीक है, हालांकि करता तो टीचर है, बट ये स्ट्रेटेजी भी आप खुद करो। जब तक आप खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, एंट्रेंस कभी तैयारी नहीं हो सकती। खुद पढ़ते जाओ तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब खुद पता लगता है ना मुझे आता है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जिसके भी 8-9 मार्क्स बनते हैं वो जरूर लिखिए ऐसे EVS 9 और 8, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, जिनकी भी नहीं चल रही है वो मैं बता रही हूँ स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट अब जब भी EVS का लेक्चर आएगा मैं 3rd, 4th, 5th का टेस्ट लूंगी, ठीक है, चाहे आप लोग 3rd, 4th, 5th चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। आज हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, 3rd, 4th, 5th का चैप्टर होंगे। असाइनमेंट के सारे आंसर्स आप लिख लेना, अपनी ही EVS की बुक्स आई होप सबके पास होनी चाहिए, NCERTs 3rd, 4th, 5th की आप लोग अब प्रैक्टिस करना। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम दी EduTap, ऑल द वेरी बेस्ट।